नाउ सी योर सिक्स पॉइंट, व्हाट इज गिवन, 2.5:5, ठीक है। यहां पर देखिए एक डेसिमल नंबर है, फर्स्ट टर्म इज डेसिमल नंबर एंड द सेकंड टर्म इज होल नंबर, तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू होल नंबर, ठीक है। आपको इसे होल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए इस फर्स्ट टर्म को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस वाले टर्म को भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। देखिए दोनों टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर इसे आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे भी आपको करना पड़ेगा, तभी आप रेशियो, करेक्ट रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है, क्या आएगा, 0 0, 1 5 5, 1 2 2, ठीक है, 25 25 है, ठीक है। सो यहां पर देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 25 मल्टीप्लाई किए हैं जब 10 से, इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 5 10 जा 50, ठीक है। तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन ये, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 25 25 इज टू 5 को मल्टीप्लाई करिए 10 से, 5 10 जा 50, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब इसका रेशियो फाइंड करना, 25 इज टू 50 का, ठीक है। तो यहां पर देखिए 25 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। अब ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होंगे, इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या है, तो 25 एंड 50 का एचसीएफ क्या है, 25 है, ठीक है। तो ये दोनों नंबर 25 से डिवाइड होंगे, ठीक है। यहां पर डिवाइड करिए, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, ठीक है, तो 1/2। सो दिस इज द रेशियो ऑफ दिस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या आ गया, 1:2, ठीक है। फिर से देखिए यहां पर दिया हुआ एक जो नंबर है वो डेसिमल नंबर दिया हुआ, ठीक है, 2.5, उसमें पॉइंट लगा हुआ, इसका मतलब ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। फिर 1:5 यहां पर होल नंबर दिया हुआ, ठीक है। आपको इसे कन्वर्ट करना होल नंबर में, ठीक है, होल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2.5 × 10 क्या है, 25। तो इसे आप अगर 10 से मल्टीप्लाई किए तो इस वाले नंबर को भी आपको करना होगा 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या है, 50 आया, ठीक है। तो 25:50, 25 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। तो इन दोनों को देखिए डिवाइड करेंगे आप, इन दोनों का एचसीएफ क्या है, 25 से, ठीक है। तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, ठीक है। तो रेशियो क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1/2, ठीक है। सो द रेशियो इज 1:2, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो निकल गया 1:2।